भाई पीछे देखो आप जरा, बादल इस साइड धूप निकली हुई है, इधर बादल बने हुए हैं और इधर आप देख सकते हो एकदम से साफ है। नेक्स्ट 1 आवर में बारिश है। भाई जब मैं घर पे रेडी हो रहा था धूप निकली हुई थी, सुबह से अच्छी धूप निकली हुई थी, बट आप मानोगे अब हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी बारिश हो रही है। अभी आपको वीडियो में नहीं पता लगेगा, तो मौसम अच्छा है, ठंड जा चुकी है। हमारे इधर यूके में भी मानसून चल रहा है, ठीक है। अपने इंडिया में मानसून आता है जुलाई में अगस्त में होता है मानसून, पर लिटरली यहाँ पे मानसून चल रहा है पिछले लास्ट वीक से। तो मैं जस्ट अभी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल क्लोज हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बूस्टर, ये जो आप देख रहे हो, तो ये एक्चुअली यहाँ का सिटी कैंपस है। तो ये मेन रोड जाती है और पीछे वो प्लेग्राउंड एक बना हुआ है होस्ट कोर्ट। तो आपके साथ आज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है, आपने वीडियो का टाइटल ऑलरेडी देख लिया, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 2-3 अपडेट्स देनी है आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वही जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ, ठीक है भाई। सेप्टेम्बर इनटेक ओपन है, ठीक है। अगर आपने अप्लाई करना है बूस्टर में ही नहीं, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी आना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है लिंक, तो आप उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो कुछ स्टूडेंट ना मेरे को कहते हैं पाजी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड हो पाते हमसे, आप मेरे को ईमेल कर देना, ठीक है। तो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देखूँगा फिर आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो ये पीछे सिटी कैंपस है, जो जितने भी बिजनेस वाले स्टूडेंट्स हैं, सबकी क्लासेस यहाँ पर लगती हैं। और ये बिल्डिंग है, आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस में देखा है, और पीछे का सीन देख लो भाई। अगर हो गई ना बारिश तेज, मैं तो पूरा भीग जाऊंगा भाई, लग रहा है मेरे को, आना नहीं चाहिए था। और उधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो मौसम चेंज हो रहा है हर साल, ऐसे ही होता है। मतलब मार्च के महीने में जब मौसम चेंज होता है ना, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो बारिशें पड़ती हैं दबा के एकदम से। फिर जब अगले महीने अप्रैल में आप देखना, क्लाइमेट बहुत अच्छा हो जाना है यहाँ का। तो जितने अभी स्टूडेंट आए वो भी बहुत खुश थे, बाजी अच्छा है, ठंड कम हो गई है, अच्छा लग रहा है। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे थे, तो अभी आगे आपको मैं वीडियोस में दिखाऊंगा। तो खैर इनटेक का मैंने आपको बता दिया भाई। यहाँ पे ना देखो, मैं आज आपके 2-3 क्वेश्चन हैं, मैंने उसका जवाब देना है आपको। आप मेरे को बहुत पूछते हो कि जो यहाँ की स्टडी है मुश्किल है ईजी, भाई मुश्किल तो देखो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है ना। आप बोलोगे सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाए, ऐसे नहीं होता, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और रही बात यहाँ पे रैंकिंग का, बहुत पूछते हो कि रैंकिंग वगैरह मैटर करती है, वो मैं आपको बताऊँ भाई, यहाँ पे लिटरली ना रैंकिंग कुछ मैटर नहीं करती है। मेरे को बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा, पहले मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ यार, आज आप ना थोड़ा इधर भी देख लो। तो ये देखो इधर, बस एक साइड देखो बिल्कुल क्लियर है, आपको पता लग रहा होगा, देखो इधर कितना क्लियर है क्लाउड, और बादल उधर से ही आ रहे हैं सारे, ऊपर धूप निकली हुई है। और ये जस्ट सिटी कैंपस का व्यू है सारा, यहाँ पे क्लासेस लगती है, मेरे को याद है हम भी इधर ही थे। तो बाद में हमारा तो ऑनलाइन ही हो गया था, ठीक है, मैं वो बहुत मिस करता हूँ कभी कभी। तो खैर मैं आपके साथ बात कर रहा था, रैंकिंग से स्टार्ट हुई थी अपनी बात, है ना। तो रैंकिंग देखो, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ना स्टडी करने के बाद की बात बता रहा हूँ, वो अपनी जॉब के लिए गए, इंटरव्यू दी, उन्होंने डिग्री आपको पूछा भी नहीं, आपने डिग्री कहाँ से की है। जो आप प्रोजेक्ट अपना थीसिस लिखते हो ना, डिसर्टेशन वगैरह लिखते हो भाई, वो उसमें से पूछते हैं क्वेश्चन आपको, जितने भी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। उन्होंने उनको कुछ भी नहीं पूछा कि आपने कहाँ से, आप वॉरविक से पास आउट हो, आप बूस्टर से पास आउट हो। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अपना ना दिमाग थोड़ा चलाओ, वहाँ पर इंडिया में बैठे हो, ये सब चीज़ें छोड़ो कि मैं वॉरविक में जाना है या उधर जाना है जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है ना। वॉरविक में तो 25-30 हज़ार पाउंड फीस है एक साल की डिग्री की, वही सेम डिग्री आपको बूस्टर में मिल जाए 12-13 हज़ार पाउंड में, तो आपका क्या जा रहा है। एस्टन की फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक बहुत ड्रामा चल रहा है कि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में ही जाना है, वो भी एक अलग ही सीन है। तो ये सब चीज़ें अपनी दिमाग से निकाल दो, ठीक है। आप अपने जहाँ पैसे बचते हैं पैसे बचाओ, वो सब चीज़ें आपको बाद में, हमें कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। आप लोग लकी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, और जो यहाँ पे स्टूडेंट के साथ जिनका प्रैक्टिकल हुआ है, जिनको एक्सपीरियंस है, तो उनको ये सब चीज़ें पता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा हाईफाई यूनिवर्सिटी में मत जाओ, ठीक है। अगर आपके जहाँ पैसे बचते हैं वहाँ बचाओ, जहाँ आपको एडमिशन मिल रहा है ना तो वहाँ जाओ, ठीक है। रैंकिंग यहाँ पे जीरो, आप, मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया में सीन है कि IIT से पढ़ लिया आप, वहाँ से पढ़ लिए तो आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा, तो यहाँ पर रैंकिंग का कुछ सीन नहीं है। यूरोप में भी ऐसा है, ये हो सकता है, मेरे को और कंट्रीज़ का इतना नहीं पता कि US में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कनाडा में क्या सीन है,
बट हाँ, यूके का मैंने आपको बता दिया। यूके में जो चीज़ मैटर करती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतने आपके जॉब के चांसेस भी ज़्यादा हैं और सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा। फ्रेशर को भी मिल जाती है जॉब, ऐसा नहीं, बट उनको जो स्टार्टिंग पैकेज यहाँ पे 30,000 पाउंड साल का स्टार्टिंग में मिलता है, तो उसमें से 5-6,000 आपका टैक्स चला जाता है, तो आपको बचता है 22,000 से 24,000 तक। ठीक है, तो मैंने ये आपको मिनिमम बताया 30,000 जो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एक बार फिर से आपको मैं व्यू दिखाऊँ, यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है यूनिवर्सिटी का। ये देखो मेरी अपोजिट साइड पे क्या माहौल हो रखा है, और इस साइड देखो बिल्कुल क्लियर है। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, अब थोड़े दिन रुक जाओ, पूरी हरियाली होगी यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं, आपको पता है जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, दरवाज़ा इसको खोलते हैं। खुला नहीं यार, इसमें ना प्रॉब्लम है, इसको ज़ोर से दबाना पड़ता है, भाई अपना उदास रहता है। खुल रहा है, अभी चलते हैं। बारिश तो स्टार्ट हो चुकी है भाई, हल्की हल्की। मैं ब्लॉगिंग बस थोड़ा सा, मैं 5-6 मिनट की आपके साथ बात करनी है, फिर मैं वीडियो बंद कर दूंगा, तो ज़्यादा देर नहीं बाहर रहूँगा, नहीं तो भीग जाऊँगा। ठीक है, हाँ, रैंकिंग का अगर आपको फिर भी डाउट लगता है ना कि हाँ यूनिवर्सिटी रैंकिंग का पाजी क्लियर करके बताओ, यार अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो भी यहाँ पे सीन है, फिर भी डाउट हुआ, किसी ने मेरे साथ पर्सनली बात करनी है इसके बारे में, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट लिस्ट भेज देते यूनिवर्सिटी की कि पाजी ये यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर आया और हम किस में जाएं, तो फिर भी अगर आपको डाउट है ना, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, वो लिंक भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो मैंने बात करनी थी, यहाँ की स्टडी ईजी है, हार्ड देखो आसान कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया बताऊँ तो बहुत फ़र्क है स्टडी का, चिल सीन है। अगर आप लॉजिकली, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, ऐसा नहीं कि आपने एकदम लास्ट वीक आपका आ गया असाइनमेंट सबमिशन का, तब आप देख रहे हो क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा, जब से आपको डेडलाइन मिल जाती है ना, तभी से आप स्टार्ट कर लो तो बढ़िया रहोगे भाई। थोड़ा 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 काम करते रहोगे, वो अच्छा रहोगे। एकदम से जैसे इंडिया में होता है ना, इंडिया में तो क्या होता है कि जब अपने एग्ज़ाम होते हैं, मैंने खुद भी वहाँ पे ऐसे ही किया, आपको पता है। ठीक है, तो हमारे क्या होता है कि जब एग्ज़ाम आने होते हैं, एक मंथ पहले हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, आप असाइनमेंट्स करो, बाकी यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, अगर आप हेल्थ में हो, ठीक है, नर्सिंग में हो, तो वहाँ पे तो ज़्यादा प्रैक्टिकली चलता है। तो बाकी जो बिज़नेस वाले स्टूडेंट हैं, उनका प्रेजेंटेशन होती है, असाइनमेंट होती है, केस स्टडी होती है। जो इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका भी कोर्स वर्क चलता है, केस स्टडी होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है उनमें। तो अगर आप जिसने इंडिया में अच्छे तरीके से पढ़ाई की है ना, जो इंडिया में करता था स्टडी, जिसकी फर्स्ट डिवीज़न है, तो मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे चिल सीन है बहुत, इतना स्ट्रेस नहीं है। इंडिया में पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, वो आपको ऑलरेडी पता ही है, इंडिया में, पाकिस्तान में, है ना। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि अगर ये लोग वहाँ जा कर स्टडी करेंगे ना, यहाँ के लोकल, तो ये लोग पागल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर इतना ईजी, अपने अपने कंट्री में इतना मुश्किल है। ये देखो, ये भाई मेरे को पीछे से इशारे कर रहा है, तरुण। और भाई कैसे हो, किधर घूम रहे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस बस बढ़िया, मैं आज वीडियो बना रहा था, अच्छा मौसम था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा है। हाँ, यहाँ पे भी गर्मी भी हो गई है मौसम। हाँ, आपने तो जैकेट पहनी हुई है। वर्क से आ रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ठीक, घर जा रहे हो? हाँ अभी बस। ठीक है ठीक, कहाँ पे? उधर शिफ्ट पे थे? हाँ शिफ्ट पे था, वहीं से आया हूँ। ठीक है ठीक, और सब बढ़िया? हाँ सब ठीक। चलो ठीक है, आप भी वीडियो में आ गए। तो मेरे को अभी एक स्टूडेंट मिला था, तरुण है, भी अपने यूनिवर्सिटी में ही है, बूस्टर यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं, तो ये बंदा भी मस्त है बिल्कुल। बहुत ही अच्छा बंदा है, ये अपने आप में मस्त रहता है, और ठीक है, मतलब बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे वैसे ही बंदा ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। सब जॉब वगैरह लग चुके हैं, अच्छा अपना काम कर रहे हैं, आपने देख ही लिया ऑलरेडी, तो ये पार्ट टाइम कर रहा है, अभी काम से ही आया दिन का टाइम, इसका मतलब इसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो अभी लाइक 2 बज रहे हैं, आई थिंक 2:30 हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बाकी मैंने आपको स्टडी का ऑलरेडी बता ही दिया, अब ज़्यादा स्पेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, बुक्स होती है मोटी मोटी, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। और क्लासेस का भी मैं आपको क्लियर करके बता दूँ, जो आप यहाँ पर आपकी जो क्लासेस लगने वाली हैं भाई, 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन मैक्सिमम आपके क्लासेस लगेंगी। अगर आप बैचलर वाले हो तो मे बी आपकी 3 से 4 दिन लग जाएं। ठीक है,
बट जो मास्टर वाले हैं वो मनीष जी ने भी लास्ट टाइम आपको बताया था कि दो तीन दिन ही जाना होता है, वो भी 3-3 घंटे के लेक्चर होते हैं। एक दिन में लाइक मॉर्निंग का होता है, एक इवनिंग का होता है। तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम पता क्या आती है यहाँ पे कि एक दिन में ये लोग पता क्या करते हैं, साथ के साथ नहीं रखते। मॉर्निंग में जैसे 9 से 12 रख दिया, ठीक है, फिर ये सीधा शाम को रख देते हैं कि 4 से 7 हो गया या 3 से 6 हो गया। तो उसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, जो बर्मिंघम या किसी और सिटी से आते हैं पढ़ने के लिए उनको दिक्कत आती है, और जो पार्ट टाइम करते हैं उनको दिक्कत आती है। बस ये है, बाकी ठीक है यार, अगर 2-3 दिन ही जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा, सबरीना ब्रिज पे आया हूँ मैं। तो ये जस्ट अभी तो देख ही सकते हो आप क्या हाल हो रखा है। तो ये इधर थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी स्टार्ट लग रहा है मेरे को। तो ये ब्रिज जो आप देख रहे हो पहले पुराना था, ये जस्ट अभी रेनोवेट हुआ है, ठीक है। तो गाइज एक वीडियो बनानी थी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ स्टडी के बारे में तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा यार मेरे को ना बहुत मैसेज आते हैं, आप बुरा मत माना करो, मैं नहीं कर पाता रिप्लाई, क्योंकि आपको पता है मैं ऑलरेडी अपना काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, जो तो सीरियस कैंडिडेट है जो मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मेरे को अपनी प्रोफाइल, मेरे को ओवरऑल 6 चाहिए, 6.5 चलेगा, पीटी में आपका 60 होना चाहिए। तो आप ये सब अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर मेरे को भेजना, चाहे आप मेल भी कर सकते हो, मेल नहीं करना चाहते तो आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, वीडियो एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, बारिश तेज़ हो गई है, ठीक है, तो आई थिंक आपको बूंदें इसमें पता लग जाएंगी। देखो बारिश की बूंदें यहाँ पे रिवर में पड़ रही हैं तो पता लग रहा है। और ये देखो, और ये ब्रिज है, तो मैं ब्रिज के नीचे जाऊंगा, ठीक है, और इधर ब्रिज के नीचे जाके पनाह लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये आप थोड़ा एंजॉय करो व्यू को, इनको ठंड नहीं लगती यार, ऊपर वाले ने भी है ना क्या शक्ति दी है इनको, कैसे बनाया है ना, कमाल ही है, हर टाइम इतने ठंडे पानी में ही रहते हैं। तो गाइज ये देखो आप, जस्ट बारिश पड़कर हटी है, ठीक है, और धूप निकल गई, और रेनबो कितना प्यारा लग रहा है ना यार, मैं दिल कर रहा थोड़ा पास जाऊं, मैं देखता हूं उधर जाके रिकॉर्ड करता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश अभी चल रही है बीच में हल्की हल्की सी, और धूप निकली थी अभी, यहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा है रेनबो का। तो वीडियो गाइज एंड हो चुकी है, आपकी मर्जी है अगर आपने आगे देखना है, क्योंकि मैं तो ऐसे लगा रहूँगा आज, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, बीच में धूप निकल रही है और बीच में बारिश हो रही है, तो बिल्कुल पानी पानी हो रखा है।